एकोंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वै अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच हर बंदे दी आवाज विच ओ आप बोलदा हर पंछी दी परवाज विच ओ आप बोलदा हर बंदे दी आवाज विच ओ आप बोलदा हर पंछी दी परवाज विच ओ आप बोलदा हर रूह विच मौजा माणदा हर रूह विच मौजा माणदा मेरा बाबा नानक सबना दे दिल दी जानदा मेरा बाबा नानक सबना दे दिल दी जानदा मेरा बाबा नानक 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 साहब आए थे तो वह लक्खी वगैरह इतने व्यापारी हों तो डंगर पानी पिलाने लिए नहीं तो गुरु नानक साहब ने उन्होंने लक्खी नजारे जोड़ा सी आता भी मैं पानी चाहिए तो उन्हें आख्या भी इतने गुरु नानक तवा बैठे आ उन्होंने आखो इतों फिर इन्हें सुहाव साहब जाके पानी क्ढाया तो 80 पिंड जो भी पानी जाता सुहाव साहब राजस्थान चो ये इतिहास है इतों का दसवें पातशाह ने जो डल्ले की भरजाई उतारिया वो दसवें सुहाव साहब जो गुरद्वारा उत्थे दसवें पातशाह ने उतों जो जंग जित के आया तो काल बद्धा है वो अगे जाके छटना है तो के सिंह ने जो लम्मे पे तो उन्हें कबर कस्सा खोलता तो उन्होंने मतलब कबर कस्सा खोलन तो बाद जो काल से वह सप्प का रूप धार गया जोड़ा आप मानने भी जंडी के पिप्पल लुका जंडी पि जंडी लुकोलू पिप्पल वो इतिहास उतों का इन्ना कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निरवै वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह असी इस टाइम गुरुद्वारा नानक टिल्ला दे खड़े हाँ जो कि 7 किलोमीटर दूर सुहाव साहब गुरुद्वारे तो है इत्थे गुरु नानक साहब जी आए सी और इत्थे पीण वास्ते पानी नहीं सी तो उन्होंने अपने छोटे जे बर्तन में पानी पाया तो वह बंदा जरा उन्होंने आया से वो को 100 मझां ते गावां सी कहिंदा मेरा इहदे नाल की होएगा जी तो उन्होंने कहा तू पहले वर्त के ते देखना वह फिर उस तो बाद इतों का पानी इन्ना मिठा इन्ना स्वच्छ जल है और इतों का लंगर बहुत वधिया है यह लंगरधारी इन्होंने साड़ी बड़ी सेवा की है इतने आके साड़ा मन प्रसन्न हो गया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।